बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो कि ऑन डिमांड क्वेश्चन है। जैसे कि आप पता है कि आप स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं और हम उनका यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको उसका समाधान देते हैं। तो आज का जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया रंजना जी ने गोंडा उत्तर प्रदेश से। उनका कहना है कि ये सवाल सर जीई के एग्ज़ाम में आया था और ये मैं अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाई, तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि इसको किस ढंग से करेंगे। तो रंजना जी बेटा, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये सवाल है तो बहुत छोटा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बेस का ही सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इस सवाल में एक ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी। ट्रिक मीन्स वो कोई जादुई ट्रिक नहीं कहूँगा इसको मैं, पर थोड़ा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें इसमें, ये आपको इसमें देखना पड़ेगा। अब सवाल देखिए, सवाल में क्या लिखा हुआ कि माना अल्फा बीटा गामा निम्न समीकरण के मूल हैं तो क्यूबिक रूट ऑफ अल्फा प्लस क्यूबिक रूट ऑफ बीटा प्लस क्यूबिक रूट ऑफ गामा का मान क्या होगा, यानी कि इनको जोड़ने पर क्या मान आएगा वो हमको देखना है। तो आपके पास अल्फा बीटा गामा को क्या बोला गया कि जो समीकरण नीचे दिया गया है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके जो मूल हैं वो हैं अल्फा बीटा गामा। अगर ऐसा है तो जो घनमूल ऑफ अल्फा घनमूल अल्फा प्लस घनमूल बीटा प्लस घनमूल गामा का मान क्या होगा, ये निकालना है। अब देख, इस पर थोड़ा सा आपको दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचिए, एक झटके में तो होगा नहीं। पहले अब देखो, जो टीचर्स लोग हम जैसे जो टीचर्स लोग हैं वो तो एक उसमें समझ जाते हैं कि हमको यहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन बात आती है आप स्टूडेंट्स की, आप कैसे स्टार्ट करो, दिमाग में पहला पॉइंट क्या आएगा कि कैसे हम स्टार्ट करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, मैं बता रहा हूँ कैसे दिमाग लगाओगे। आप देख रहे हैं कि आपके पास घनमूल है, क्यूबिक रूट है, कहीं ना कहीं पर क्यूब की बात हो रही है, और सवाल में भी आप देखते हैं ये क्यूबिक रूट का ही सवाल है, मतलब समीकरण जो दिया गया है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस समीकरण को देख करके आपके दिमाग में एक झटका लगना चाहिए, एक 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 बिजली सी कौननी चाहिए कि ये जो समीकरण दिया है कहीं ना कहीं ये जो एक फॉर्मूला है ना ए प्लस बी का होल क्यूब, उससे इसको संबंध रखना इसको चाहिए कहीं ना कहीं। मतलब हम कोशिश करेंगे कि इस समीकरण को हम a प्लस बी का होल क्यूब जो फॉर्मूला होता है उसमें कन्वर्ट करें। यानी कि अगर हम देखें तो अगर इसको मैं गौर से देखूं तो मेरे को कहीं से भी किसी भी एंगल से ये x प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड करके नहीं लग रहा है कि हमने x प्लस 1 का होल क्यूब खोला होगा, ऐसे करके हमने खोला होगा तो ये निकल जाएगा ये समीकरण, ऐसा नहीं निकल रहा है। तो उस और हमने करना यही है, हमने करना है क्या कि इस पूरे समीकरण को हमने x प्लस 1 का होल क्यूब के इसमें कन्वर्ट करना है। पहले दिमाग में यही बात आपके आनी चाहिए, सोचोगे तो ही समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर करना क्या है। तो रंजना बेटा, सबसे पहला जो स्टेप था वो यही था कि क्यूबिक रूट का दिमाग में क्यों आया, क्योंकि यहाँ एक तो क्यूब यहाँ पर भी है और दूसरा यहाँ पर क्यूबिक रूट भी दिया गया, मतलब क्यूब की बातें हो रही हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब सही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है a प्लस बी का होल क्यूब। अब जैसे आप जानते हैं, मैं यहां पर अलग से लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी जाके काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा काम। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो सबको याद होता ही है। तो ये जो फॉर्मेट है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हमने इस समीकरण को बनाना है। जब वो इस फॉर्म में बन जाएगा तो हम उसको ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो इसको फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। वो तो मैं पहले इसको सॉल्व कर चुका हूँ तो इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, लेकिन अब आप समझिए कि कैसे हम इसको करेंगे। एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1, ठीक है, ये तो आप ऑलरेडी था आपके पास, बराबर में आपके पास क्या है 0 है। तो दोनों तरफ देखो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहां पर 27x मैं यहां जोड़ दूंगा और प्लस 27x मैं यहां जोड़ दूंगा इसको मैं। चलो अब इसको आप थोड़ा अलग से देखिए, ठीक है। तो देखिए, बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं की हमने, मतलब बराबर के दोनों तरफ 27x और 27x जोड़ दिया, यानी कि बहुत कुछ करने के बावजूद हमने कुछ नहीं किया मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ तक, तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, 27 में से 24 गया प्लस 3x और प्लस 1 ये छूट गया था, ठीक है, और बराबर वहाँ पर क्या आएगा 27x, ये वाला 0 प्लस 27x वो 27x ही रहेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा गौर से देखिए,
ये वाला जो टर्म्स है, ये टर्म जो है इसके बराबर नहीं, ध्यान से देखिए, जहां पर ए की जगह एक्स हो जाएगा और बी की जगह एक हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एक्सपेंड करेंगे तो इसको अगर हम यहां पर ए की जगह अगर एक्स रखें और बी की जगह ए रखें तो ये एक्स प्लस वन का होल क्यूब बन जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं अलग से नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया आपको कि ये एक्स प्लस वन का होल क्यूब है। खोलेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक का क्यूब एक ही होता है, प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी की जगह एक है, गुणा करके एक ही आएगा, और इंटू थ्री ए बी स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर एक ही है, और ये तो क्यूब था इसका, एक का क्यूब, तो ये x प्लस वन का होल क्यूब बराबर आपका आया 27x। यहां तो सबकी समझ में आ रहा होगा, रंजना बेटा आपके समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अगर मैं x प्लस वन का मान निकालूं, क्यूब है तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि मैं 27x का क्या निकाल दूंगा, घनमूल निकाल दूंगा, क्यूब है ना, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर हम और एक्सपेंड करें तो 27 का क्या, तीन तीन नौ तीन, 27 तीन होता है, तो ये तीन बाहर निकल जाएगा, ये थोड़ा बड़ा करता हूँ कन्फ्यूज होने, तो ये मैंने तीन बाहर निकाल दिया इंटू ये क्यूबिक रूट है तीन, ध्यान रखना इस बात का, और ये अंदर क्या बच जाएगा आपका, एक्स बच जाएगा, तो थ्री क्यूबिक इंटू एक्स बच जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास है एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री इंटू एक्स क्यूब, सॉरी क्यूबिक रूट ऑफ एक्स, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपके, क्लियर। अब ये खुद सवाल में कह रहा है, यहां तो आपने निकाल दिया, अब ये सवाल में खुद ये कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा निम्न समीकरण के मूल है, यानी कि एक्स यहां पर, क्योंकि क्यों एक्स क्या है, एक्स प्लस वन को हम मूल के रूप में लें तो यहां पर एक्स जगह हम अल्फा बीटा की बारी बारी से एक्स जगह अल्फा, एक्स जगह बीटा और एक्स जगह गामा रखते चले जाएंगे, क्योंकि ये मूल एक्स को हम मूल लेते ना भाई, एक्स के ही मान तो निकालते हैं हम, जब इसको समीकरण सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पर हमारे पास अल्फा बीटा गामा नहीं है तो हम यहाँ पर एक्स का मान ही तो निकालेंगे, एक वहां जाकर माइनस हो जाएगा तो एक्स बचेगा, तो ये एक मूल हमारा निकल रहा है। तो लेकिन वो पहले ही बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा क्या समीकरण के मूल है, तो एक्स जगह अल्फा बीटा गामा रखते जाओ। अब देखें, ध्यान से देखिएगा आप, मैं बारी बारी से रखूंगा, तो रखने से क्या होगा, ये होगा अल्फा प्लस वन बराबर थ्री इंटू एक्स का क्यूबिक रूट, इसी ढंग से फिर होगा बीटा प्लस वन बराबर, सॉरी आम सॉरी, यहाँ पर एक्स नहीं बचेगा, यहाँ पर अब बचेगा अल्फा, ध्यान रखिएगा, थ्री इंटू क्यूबिक रूट ऑफ बीटा, फिर से गामा प्लस वन इक्वल टू थ्री इंटू क्यूबिक रूट ऑफ गामा, ये यहाँ तो मैं उम्मीद करूँ सबकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ आपको, थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा, मेरे थोड़ा जगह मिल जाएगी, यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा और दिखाई दे रहा हो। अब क्या करना, हमने इन तीनों को जोड़ना है। अब आप रंजना बेटा, आप सोचोगे कि यहाँ पर सर ने जोड़ क्यों दिया, यहाँ पर जोड़ा मैंने इसलिए, मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, वैसे भी देखो अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम करेंगे, और सवाल में ध्यान दो क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ अल्फा प्लस क्यूबिक रूट ऑफ बीटा प्लस क्यूबिक रूट ऑफ गामा जोड़ा है ना, तो ये भी तो जोड़ेंगे, जब मैं क्यूबिक रूट ऑफ अल्फा प्लस क्यूबिक रूट ऑफ बीटा प्लस क्यूबिक रूट ऑफ गामा करूंगा तो ये पोर्शन निकल जाएगा हमारा, मतलब कहीं ना कहीं हम जो उत्तर के नजदीक पहुंच रहे हैं ये तो निकल जाएगा, फिर बराबर में जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर क्या होगा, प्लस सबको हम करें तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक 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 तीन हो जाएगा, तो कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थ्री, ये थ्री हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा थ्री प्लस थ्री लग जाएगा ना इस ढंग से, चलो मैं थ्री, मैं नहीं तो आप कन्फ्यूज हो गए, अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस थ्री गामा, ये क्यूबिक रूट में हल्का सा लिखा नीचे, तो ये कर, अब देखो यहाँ पर तीन कॉमन सब में, तीन 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 सब में कॉमन है, बाहर आ जाएगा और अल्फा ये अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच करके इसको मैं अलग से कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन आपके साथ दिखेगी नहीं, चलो मैं एक लाइन यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा मैं कैमरे सेट कर देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन आपको और एक लाइन और नजर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थ्री इक्वल टू थ्री कॉमन, तो बचेगा आपके पास क्यूबिक रूट ऑफ अल्फा प्लस क्यूबिक रूट ऑफ बीटा प्लस क्यूबिक रूट ऑफ गामा। तो ध्यान से देखिए, आपके आंसर का एक पार्ट तो यहाँ पर निकल ही गया जो कि सवाल में पूछा, तो
इसका बराबर ये अब ये एक्चुअली में ये हमारा आंसर ये निकल गया, लेकिन ये अभी पूर्ण आंसर नहीं, इसको पूर्ण आंसर में कन्वर्ट करेंगे हम। अभी कैसे करेंगे वो हम इसको आगे देखते जाएंगे। तो अब ये देखें यहाँ पर, यहाँ तो क्लियर है। अब जो आपके पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, मूल है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, मूल, सॉरी अल्फा बीटा गामा क्या है, मूल है। और यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, तो यानी कि मूलों का जोड़, मूलों का योग है ये। तो इस प्रकार के समीकरण में आपको पता है कि मूलों का योग क्या होता है, ये सबको पता है, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। फॉर्मूला ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो में क्या होगा, मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा गामा, यानी कि यहाँ पर जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ध्यान से देखिए, ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए, बी बी की जगह क्या है, तीन है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक। तो माइनस बी, बी की जगह क्या है, तीन है, तो माइनस तीन बटा एक बराबर माइनस तीन। तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस तीन रख सकते हैं, यानी यहाँ पर माइनस तीन हम लोग रख सकते हैं। तो क्या जाएगा इस समीकरण हिसाब से, क्या हो जाएगा, माइनस तीन, इतनी जगह मैंने माइनस तीन रख दिया ये, और प्लस तीन, प्लस तीन बराबर क्या बचा, थ्री इंटू क्या बचा, क्यूब रूट ऑफ अल्फा, क्यूब रूट ऑफ बीटा प्लस क्यूब रूट ऑफ गामा। तो बाएं पक्ष में माइनस थ्री प्लस थ्री कितना, जीरो हो गया, बराबर थ्री इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्यूब रूट है ये, थोड़ा ध्यान रखिए आप, हैं मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में भूल जाता हूँ एक बार। तो ये अब ये इसके बेटर में जीरो है, तो बराबर जीरो हो जाएगा पूरा, ये तीन तो जीरो हो पाए नहीं, इसलिए तो बराबर जीरो इसको करेंगे, समझ रहे हैं आप, तीन को हम बराबर जीरो को नहीं करेंगे, इसको जीरो करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा अल्फा क्यूबिक रूट, बीटा क्यूबिक रूट, गामा क्यूबिक रूट बराबर जीरो। तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर है, जो सवाल में पूछ रहा था कि क्यूबिक रूट ऑफ अल्फा प्लस क्यूबिक रूट ऑफ बीटा प्लस क्यूबिक रूट ऑफ गामा का मान क्या होगा, तो उसका मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको मैंने ये दिखा दिया, प्लस प्लस बराबर जीरो, दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है कि इन इस समीकरण के जो मूल है उनके क्यूबिक रूट यानी कि घन मूलों का जो योग होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और इन इन मूलों का योग, ध्यान रखें, मूलों के घन मूलों का योग वो ये है, और मूलों का योग वो ये है, दोनों में अंतर है, मूलों का योग माइनस बी अपॉन है, और इनके मूलों के घन मूलों का योग कितना है, जीरो है। तो उसने यहाँ पर घन मूलों का योग ही पूछा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको, रंजना जी आपने वीडियो देख रहे होंगे, और उम्मीद करता हूँ अगर देख रहे हैं तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर ये में अगर पूछा गया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा हम कैसे यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, और ये एक लाइक तो है, और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। तो रंजना जी अगर आपको वीडियो पसंद आए, और अन्य दर्शक जो देख रहे हैं अभी, जो जो स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल 10th के, 11th के या 12th के, अगर उनको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स अभी चैनल पर नए हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जितने भी जब भी रिलीज हो वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।